नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल में और मैं हूं आपके साथ आरती। रोजाना की तरह हम एक बार फिर से हाजिर है अपना स्पेशल प्रोग्राम आज का राशिफल लेकर, जहां हम आपको बताते हैं आज का दिन आपका किस प्रकार से गुजरने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले आपको बता दें राशिफल का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। राशि के अनुसार व्यक्ति और उसके भविष्य से जुड़ी कई जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ग्रह गोचर और नक्षत्र की चाल के आधार पर ही राशिफल का निर्माण किया जाता है। ग्रहों की चाल हमेशा बदलती रहती है, इसीलिए तो हमारे दैनिक जीवन में घट रही घटनाएं हमेशा समान नहीं होती। आज 22 अक्टूबर मंगलवार का शुभ दिन है और आज संकट मोचन हनुमान जी कुछ राशियों के दुख दर्द दूर कर रहे हैं और कुछ राशियों को आज लाभ होने वाला है। चलिए फिर जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा है, आज का दिन आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन ला सकता है। आपके इन सभी सवालों का जवाब आपको आज के इस राशिफल में मिलने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के बारे में। बता दें आपको शुभ कामों में धन खर्चा हो सकता है, लेकिन धन लाभ और उन्नति के भी आप लोगों को अवसर मिल रहे हैं। किसी भी काम को समझदारी से करेंगे तो उसमें सफलता जरूर ही मिलने वाली है। चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में। तो आपको बता दें आपके कामकाज के क्षेत्र में सहयोग आपको मिल सकता है। ये समय करियर से संबंधी अच्छी कामयाबी मिलने की संभावना बनी हुई है। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको प्रमोशन भी मिल सकता है। पढ़ाई लिखाई से अगर संबंधी कोई तैयारी कर रहे हैं तो आपको उसमें भी सफलता मिल सकती है। अब बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। विद्या, बुद्धि, वाणी, ज्ञान और भौतिक सुख संसाधनों की दृष्टि से काफी अच्छा समय है ये। आध्यात्मिक क्षेत्र की तरफ रुझान भी बढ़ सकता है। कार्य प्रणाली बेहतर होने से अच्छी कामयाबी मिलने वाली है। अब बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। तो आपको बता दें एक ऐसा वक्त जब नौकरियों या व्यापार के नए प्रस्ताव खुलेंगे तो वो समय यही है। आपका दिन खुशनुमा रहने वाला है। आज लोग आपकी प्रशंसा कर सकते हैं, जिसे आप बेहद समय से सुनना चाहते थे। मुमकिन है कि आपके माता पिता आपके जीवन साथी को कुछ आशीर्वाद दें, जिससे आप दोनों का जीवन सुखमय तरीके से अब बीतने वाला है। सिंह राशि, जिस तरह मिर्च खाने को लजीज बनाती है, उसी तरह थोड़ा सा दुख भी जीवन में जरूरी है और तभी सुख की असली कीमत का पता चलता है। माता पिता की मदद से आप आर्थिक तंगी से बाहर निकलने में आप कामयाब होने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। तो आपको बता दें बाहर की यात्रा सफल हो सकती है। किसी काम से संबंधित बाहर की यात्रा करने से आप लोगों को लाभ मिल सकता है, इसलिए उम्मीद करिए कि आपको कोई यात्रा आपके हाथ लगे। अब बात करते हैं तुला राशि के बारे में। तो आपको बता दें जो योजनाएं एक लंबे समय से अधूरी पड़ी थी वो अब पूरी होने वाली हैं। धार्मिक और सामाजिक समारोह के लिए दिन बहुत ही बेहतरीन है। आज के मनोरंजन में बाहर की गतिविधियों और खेल कूद को शामिल कर सकते हैं। वृश्चिक राशि, अगर बात करें हम वृश्चिक राशि के बारे में, तो बता दें आपको अगर आप व्यवसाय करते हैं तो आपको समय के अनुसार अच्छी सफलता मिल सकती है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई लिखाई की दृष्टि से उन्नति हो सकती है। अगर आप किसी अच्छी नौकरी प्राप्त करने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी सफलता मिलने की संभावना बनी हुई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनु राशि के बारे में। तो आपके बता दें वकील के पास जाकर कानूनी सलाह लेने के लिए ये दिन बड़ा ही अच्छा है। आज का दिन ऐसी चीज़ों को खरीदने के लिए बढ़िया है जिनकी कीमत आगे चलकर बढ़ सकती है। शाम के समय दोस्तों का आगमन हो सकता है। मकर राशि, आपका दिन बहुत ही खुशनुमा तरीके से आज बीतने वाला है। बता दें आपको आज आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है जिससे आपका मन प्रसन्न रह सकता है। कुछ चिंताएं जो एक लंबे समय से थी वो अब खत्म होने वाली है। चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि के बारे में। तो आपको बता दें धन वृद्धि के योग बने हुए हैं। कोई समस्या अब खत्म हो सकती है जिससे आप खुश हो जाएंगे। आत्मविश्वास के साथ जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। मान सम्मान सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी हो रही है।
चलिए अब अंत में बात करते हैं मीन राशि के बारे में। तो आपको बता दें, अगर आप गाड़ी या फिर घर लेने की कोई योजना बना रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। अगर आप राजनीतिज्ञ हैं तो राजनीतिक लाभ आपको मिलते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपनी स्थिति और परिस्थिति के अनुसार काम करने वाले होते हैं। किसी भी काम को सोच समझ कर करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो ये था आज का राशिफल।